केंद्र सरकार दिल्ली वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव को गलत तरीके से जीतने के प्रयास में केंद्र सरकार लोकतंत्र का हनन करने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़े स्तर पर सरकारी तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली वालों के वोट काटने का काम शुरू कर रही है। ये एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हो रहा षड्यंत्र है। इसमें सबसे पहला कदम था 28 अक्टूबर को निकाला गया एलजी साहब द्वारा दिल्ली में 29 एसडीएम बदलने का आदेश। एसडीएम्स, एडीएम्स की ट्रांसफर पोस्टिंग जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरी तरह से केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के हाथ में। 28 अक्टूबर को 29 एसडीएम्स, एडीएम्स को बदला जाता है। उसके बाद उनको आदेश दिए जाते हैं बड़े स्तर पर वोट काटने के। हमें पिछले कुछ दिनों में जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओज होते हैं, जो कोई आंगनवाड़ी वर्कर, कोई आशा वर्कर, कोई एएनएम, कोई सरकारी स्कूल में टीचर, दिल्ली के अलग अलग हिस्से से कई बूथ लेवल ऑफिसर्स ने हमें संपर्क किया और हमें बताया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है वोट काटने का, एक बहुत बड़े स्तर पर वोट काटने का। एक डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिनके अंडर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एईआरओ होता है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और उनके नीचे हर बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। इस डीएम ने अपने हर एईआरओ को उनकी विधानसभा क्षेत्रों के 20,000 वोटों की लिस्ट दी है वो वोट काटने के लिए। क्या बताया गया बीएलओस को और एईआरओस को कि ये लिस्ट केंद्र सरकार ने पार्टी के माध्यम से इकट्ठी करी है कि जो जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, पार्टी के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया है और केंद्र सरकार अफसरों पर दबाव बनाकर ये वोट कटवाने का काम कर रही है। एक एसडीएम, उन्होंने अपने सब बूथ लेवल ऑफिसर्स को बुलाकर कहा कि केंद्र सरकार पार्टी के माध्यम से कुछ वोटर लिस्ट देगी, जो पार्टी दूसरी पार्टियों के बीएलए हैं वो वोटर लिस्ट देंगे, जो वोटर आम आदमी पार्टी के हैं उनका नाम देंगे और बीएलए उसको उनके नामों को वोटर लिस्ट से काटना है। ये आदेश एसडीएम ऑफिस में बुलाकर एसडीएम द्वारा एईआरओस को और बीएलओस को दिए गए हैं। उनको यह भी कहा गया है कि कोई भी नया वोट नहीं बनवाना है। ये आदेश सरकारी तंत्र द्वारा बीएलओस को दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा बीएलओस को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि केंद्र सरकार का इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास चुनाव जीतने का कोई रास्ता नहीं है। तो दिल्ली वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है।